अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज ना मैं आप लोगों को सर्विस कराने का तरीका दिखाता हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को इस सर्विस से भी बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाली है। तो सर्विस कराना, अच्छी कराना और सर्विस कराना बुरी कराना, ये दो तरह की सर्विस हैं। अब इसमें डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस कराते हैं और इसकी मालूमात आप लोगों को होगी कैसे कि आप क्या अच्छी सर्विस करा रहे हैं या कि बुरी सर्विस करा रहे हैं। वो जब आप सर्विस कराएंगे तो आपका जो ओपोनेंट प्लेयर है वो ही आपको इसका रिस्पांस जैसा देगा, तभी आपको इसकी नॉलेज होगी। अगर तो आप बुरी सर्विस करवा रहे हैं तो ओपोनेंट उसके ऊपर रिएक्ट बहुत अच्छा करेगा अगर वो अच्छा प्लेयर है, और अगर वो आप ही की तरह नॉर्मल प्लेयर है या उसको भी खेलने नहीं आती, तो फिर आपको कभी जजमेंट नहीं होगी कि आप क्या अच्छी सर्विस करा रहे हैं या कि बुरी सर्विस करा रहे हैं। तो सर्विस कराना बहुत ही एक स्क्वाश में अहम किरदार का हिस्सा है, इसीलिए सर्विस कराई जाती है। तो मैं स्क्वाश में आप लोगों को आज आसान तरीकों में सर्विस कराने का तरीका सिखाऊंगा, तो करूंगा डिमॉन्स्ट्रेशन, आप देखिए और उसको फॉलो कीजिए। तरीक़ाकार जैसे होगा वैसे ही फॉलो करें और इंशाल्लाह आप लोगों को आज सिर्फ सर्विस के मतलब बताया जाएगा और सर्विस की रिटर्निंग के मतलब कि आपने रिटर्न करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ओके व्यूअर्स, तो देखिए सर्विस कराने का तरीका। जी तो व्यूवर्स, जैसे कि आपने देखा राइट बॉक्स में सर्विस कराने का तरीका, लाइन के ऊपर पाँव नहीं आना चाहिए, दोनों पाँव का ख्याल रखें, एक बॉक्स के अंदर होगा एक बॉक्स से बाहर होगा। तो इसी तरह आपने ओपोनेंट को दूसरी साइड पे सर्विस करानी है। अब ओपोनेंट के उठाने का जो तरीका है और जगह है वो देखिए, आपका जो एरिया है सर्विस रिटर्न करने का वो ये ये एक अच्छी सर्विस है।
कोशिश करें हाइट पर दें और साइड वॉल पर टच होना।